I've been a vocal advocate for human rights in places like India, which is in danger of becoming a Hindu nationalist state rather than a secular democracy, the world's largest democracy. I'm a lover of Hinduism, a lover of Jainism, Buddhism, other religions that were born in India, but we need to protect the rights of all people there, whether they're Muslims, Hindus, Buddhists, Jews, Christians, Jains, whatever. मैं ये कहना चाहता हूं कि सबसे पहली बार एनसीआरबी का डेटा अगर हम देखेंगे नेशनल क्राइम का, तो पता चलेगा कि मुसलमानों, मुल्लीवासियों, दलित, एससी, एसटी, ओबीसी के खिलाफ पिछले 8 सालों में 400 गुना ज्यादा हमले हेट क्राइम के बढ़े हैं. नेशनल क्राइम का डेटा है. यूनाइटेड नेशंस के चीफ आए थे एंटोनियो गटरस, उन्होंने मोदी गवर्नमेंट को वार्निंग देकर गए हैं कि माइनॉरिटीज के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, मुन्निवासी एससी एसटी के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ अटैक्स बढ़ते जा रहे हैं. यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट कमीशन की चेयरमैन है मिशेली बैचलेन, उसने भी कहा है कि ये मोदी राज में, बीजेपी आरएसएस के राज में मुसलमानों के खिलाफ हेट क्राइम, मस्जिदों पर, मदरसों पर हमले, मुसलमानों की लिंचिंग, दलित बच्चियों का मुसलमान बच्चियों पर अटैक, गैंगरेप्स, मर्डर्स बढ़ते जा रहे हैं. तो पता चला कि ये लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल क्राइम सर्वे जो मेंटेन करते हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी आरएसएस मुसलमानों का, मूलवासियों का जानो माल, इज्जत आबरू और उनके धर्म आस्थानों को बचाने में नाकाम है. ये कह रही है वो. तो मैं इतना ही कहूंगा कि किसी तरीके से भी हमको ये बदनामी का धब्बा हटाना है तो मोदी गवर्नमेंट पूरे हिंदुस्तानियों की जानो माल, इज्जत आबरू की हिफाजत करना है. अगर माया कोडानी और बाबू बजरंगी, जिन्होंने कैमरे के ऊपर एतराफ किया था कि कई मुसलमानों को गुजरात ने मारा, उनको सख्त सजाएं दे दी जाती और बेल पर नहीं छोड़ा जाता, तो आज भारत का ये हशर नहीं होता और विश्व में हमारी बेइज्जती और हमारी गरिमा नहीं गिरती. सेंट्रल लीडरशिप और स्टेट लीडरशिप मुकम्मल जिम्मेदार है ये दरिंदगी के. अगर वो सही तौर पर एक्शन ले तो कोई माई का लाल किसी के जान पर हमला नहीं कर सकता.